दोस्तों इंटरडे में पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि डायरेक्शन बड़ी क्लियर होनी चाहिए मार्केट आज गिरेगा या मार्केट आज बढ़ेगा और कहाँ से बढ़ेगा और कहाँ से गिरेगा ये समझने में दो इंडिकेटर हमारी काफी हेल्प कर सकते हैं साथ में एक छोटा सा प्राइज एक्शन आज की जो वीडियो कोई स्ट्रेटजी नहीं है मैं ये नहीं बता रहा आपको कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा लेकिन अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्शन करने में हेल्प चाहिए तो ये दो इंडिकेटर आपकी हेल्प कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं तो अगर ये समझना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर बने रहिए मैं आपको प्रॉपरली आपको दो ऐसे फैंटेस्टिक इंडिकेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको काफी हेल्प करेंगे ट्रेडिंग के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में मेरा नाम है अनमोल मित्तल शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर देखिए समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर डायरेक्शन कहाँ जा सकती है तो सबसे पहला जो इंडिकेटर जो इसके अंदर काम आता है उसका नाम है वी वैप। वी वैप को फुल फॉर्म में दोस्तों कहते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस देखिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इस इंडिकेटर की खास बात यह है ये सिर्फ इंट्राडे के चार्ट पे चलता है यानी इसको पुराने डाटा से कोई मतलब नहीं है ये जब पहली लाइन अपनी क्रिएट करेगा तो फर्स्ट कैंडल से क्रिएट करेगा फिर उसके बाद वो क्रिएट करता हुआ चलेगा आपको लाइन हो सकता है ये लिंक्ड लग रही हो कि एक दिन से दूसरे दिन तक ये लाइन जा रही है लेकिन एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं है ये पुराने दिन की लाइन है फिर नया दिन यहाँ से शुरू हुआ तो वो लाइन यहाँ से शुरू हुई अदरवाइज देखिए आप ये देख सकते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग और उसमें डिफरेंस आएगा देखिए ये क्लोजिंग थी ये ओपनिंग थी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इधर आया तो उसमें काफी डिफरेंस है ये पहली कैंडल से कंसीडर करता है इसमें ऊपर नीचे का गैप आता है लेकिन ये प्योरली इंट्राडे के लिए यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाने वाला इंडिकेटर है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है क्यों क्योंकि जो भी ट्रेडर्स अगर यूज कर रहे हैं इसको वी वैप को तो कहीं ना कहीं वो उसकी डायरेक्शन को जरूर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसको तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को अगर नीचे जाना है तो उसको तोड़ के नीचे आना पड़ेगा राइट तो इसलिए वी वैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वॉल्यूम भी कंसिडर किया जाता है अब उसके बाद देखिए एक अनदर इंडिकेटर है जिसकी हमें जरूरत है उसका नाम है ओपन इंटरेस्ट अब ओपन इंटरेस्ट क्या है किस चिड़िया का नाम है जरा इसको समझ लीजिए देखिए सबसे पहली बात ये जो ओपन इंटरेस्ट वाला इंडिकेटर है हर चार्ट में आपको नहीं मिलेगा कुछ ही गिने चुने ब्रोकर्स है जिनके पास ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट मिल सकता है आपको तो उसमें से एक ब्रोकर है जेरोदा जेरोदा के अंदर ओपन इंटरेस्ट का चार्ट आपको मिलता है ये इंडिकेटर आपको मिलता है इस तरीके से जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं ये लाइन आ गई ना नीचे ये लाइन जो है ये जीरोदा में मिल जाती है बाकी हो सकता है कि आप जो ब्रोकर यूज़ कर रहे हो उसके पास ये अवेलेबल हो इंडिकेटर अगर नहीं है तो आपको जीरोदा पे आना पड़ेगा या किसी अदर ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा जहाँ ये अवेलेबल हो तो अगर है तो आप उसको एज इट इज यूज़ कर सकते हैं खैर जीरोदो का ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है कमेंट बॉक्स में दे दिया आप क्लिक करके जीरोदा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है किस चिड़िया का नाम है जरा इसको समझना बड़ा जरूरी है देखिए ओपन इंटरेस्ट क्या करता है ओपन इंटरेस्ट का मेनली मतलब क्या है जो लोग डेरिवेटिव्स मार्केट को जानते हैं बहुत अच्छी बात है जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊँ देखिए शेयर बाजार में सिर्फ स्टॉक तो ट्रेड हो ही रहे हैं लेकिन स्टॉक के साथ साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रेड होते हैं जैसे कि फ्यूचर्स हो गया ऑप्शंस हो गया इसमें अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैं प्योर विस्तार से तो नहीं समझा सकता इस वीडियो के अंदर बाकी आप YouTube पे जाकर सर्च करेंगे कि वट इज डेरिवेटिव मार्केट्स या डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होती है इसके ऊपर हमने प्योरली बताया है कि होता क्या है फ्यूचर्स मार्केट क्या होती है ऑप्शंस मार्केट क्या होती है तो आप समझ सकते हैं फिलहाल इतनी डीपली जाने की भी जरूरत नहीं है इंटरेस्ट को समझने के लिए देखिए आपको डेरीवेटिव मार्केट चाहिए देखिए क्या होता है इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है मान लेते कि एक कॉन्ट्रैक्ट है ये पैन और इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए और बेचने के लिए कुछ ट्रेडर्स आ गए तो कुछ लोगों ने इसको खरीदा कुछ लोगों ने इसको बेचा तो जितने लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में ओपन हैं वो है ओपन इंटरेस्ट और जिन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिए यानी एक होली जिसको मुनाफा होना था होली जिसको नुकसान होना था हो चुका है तो वैसे ही ओपन इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा तो अगर इस टैन का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है या तो ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है इसके अंदर कुछ खास हो सकता है तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाता है अगर कहीं पर ओपन इंटरेस्ट आ रहा है तेजी से बुलिश हो रहा है ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसका मतलब है उसके अंदर कुछ अच्छा हो सकता है कुछ ट्रेंडिंग हो सकता है समझ में आ गया ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कुछ ट्रेंडिंग हो सकता है अब यहाँ पर देखिए दो कोरिलेशन होते हैं मार्केट के अंदर उसको आपको समझना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट के साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं दो कोरिलेशन बताऊंगा वैसे तो चार कंसीडर करते हैं लेकिन दो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है जैसे कि देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो यानी मार्केट स्ट्रेंथ में ठीक है मार्केट तेजी में है और अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मार्केट गिर रहा है तो मार्केट के जो स्ट्रेंथ है वो गिरावट की तरफ है तो दो कोरिलेशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए तो प्राइस भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेंथ है प्राइस में ओपन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है यानी मार्केट अगर गिर रही है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है यानी ट्रेंडिंग में जा रहा है कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो ट्रेंडिंग में जा रही है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है अगर प्राइस भी मूव कर रहा है ऊपर तो ये ये पॉजिटिव साइन है ये भी पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए लेकिन लॉन्ग पोजिशन के लिए और ये भी मार्केट में पॉजिटिव साइन है लेकिन शॉर्ट पोजिशन के लिए ठीक है ये दोनों चीज़ आपको क्लियर है ये भी पॉजिटिव साइन है लेकिन शॉर्ट पोजिशन के लिए ये है लॉन्ग पॉजिशन के लिए ये दो कोरिलेशन आपको मैंने यह यहाँ समझाया देखिए यहाँ ओपन इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज हुआ और यहाँ देखिए प्राइस कैसे इंक्रीज हुआ ये कोरिलेशन आपको समझ में आ गया ओपन इंटरेस्ट का साथ में देखिए ऑपर इंटरेस्ट का एक और चीज आपको समझना पड़ेगा जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि यहां पर आपको हमेशा वी ये देखिए वी इस तरीके के वी पे ध्यान रखना है और इस तरीके के, के करेक्शन पे ध्यान रखना है ये देखिए ये एक तो एक्चुअल वी और एक उल्टा वी कुछ इस तरीके का ठीक है इन वीज पर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूं, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर कर देगा राइट VVAP का जो इंपॉर्टेंट चीज है जो वीवेफ का हम यूज करने वाले हैं, के अंदर आपको क्या देखना है कि मार्केट वीवीएफ के नीचे ऊपर वीक कह सकते हैं लेकिन अगर वीवीएफ के ऊपर मार्केट चल रहा है तो हम इसको पॉजिटिव कहेंगे सिर्फ इतना ही वीवीएफ का यूज है मार्केट चल रहा है तो नेगेटिव ऊपर चल रहा है तो मार्केट पॉजिटिव अब आपको दोस्तों ध्यान देना है अब आता है कि दोनों इंडिकेटर आपकी डायरेक्शन कैसे है? आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर हमारे एक दिन की शुरुआत होती है तेरह अप्रैल को हमारी एक शुरुआत होती है इसके अंदर आपको देखना है कि इसके अंदर देखिए एक वी बना था ये ये देखिए वी बना था उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या हुआ मार्केट ओपन हुआ ओपन होते ही हाई ब्रेक कर लिया वी वेफ के ऊपर निकल गया और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिली तो आप यहाँ पर एक व्यू बना सकते थे कि आज के दिन मार्केट बुलिश हो सकता है आज के दिन मार्केट बुलिश जा सकता है लेकिन ये बुलिशनेस तब तक बनी रह सकती है जब तक मार्केट वी वी के ऊपर है तो हो सकता है आपका एक दो ट्रेड गलत जाता है लेकिन लास्ट वाला जो ट्रेड है वो इतना पॉजिटिव जाता है और आपका बहुत पैसा बनता तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया था कि कैसे आपने डायरेक्शन अपडेट कर दी फिर देखिए सत्रह तारीख को हम आगे अगले ट्रेडिंग डे पर आगे दो दिन की मार्केट का ऑफ होगा मार्केट में फिर ये देखिए थोड़ा सा यू बना और यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर ये भी यहाँ पर यू बना वी वी के ऊपर मार्केट आ गया उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया है ये देखिए हालांकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है 200 सौ ढाई पॉइंट्स की मूवमेंट है लेकिन आपने प्रिडिक्शन कर ली थी और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया उसके बाद देखिए अठारह तारीख को फिर मार्केट में ये वाला देखिए ये वी क्रिएट हुआ ये देखिए ये वी क्रिएट हुआ मार्केट ऊपर गया उसके बाद मार्केट क्लोजिंग के टाइम तेजी से नीचे आ गया तो ये प्रिडिक्शन आपकी गलत होगी मार्केट अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है हर बार आप मार्केट में सही नहीं हो सकते लेकिन फिर भी आपने एक एस्टिमेटेड आइडिया लगा लिया था और काफी हद तक मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया था दो सौ ढाई पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चला गया था उसके बाद देखिए उन्नीस तारीख को हम आ गए ठीक है उन्नीस तारीख को आ गए अब देखिए मार्केट में ये वी तो बन रहा है लेकिन जो मार्केट है वो वी व्याप के बिल्कुल नीचे ही है अगर मार्केट वीवैप के नीचे है और ये पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है तो ये कन्फ्यूजन है इस ट्रेड को आप छोड़ सकते हैं तो आज के के दिन मार्केट के अंदर कोई खास मूवमेंट थी भी नहीं हालांकि सुबह मार्केट थोड़ा सा गिरी थी फिर वापिस मार्केट के आसपास से जाकर क्लोजिंग करिए कोई मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं थी तो ये कन्फ्यूजिंग वाला ट्रेड था समझ में आ गया किस तरीके से आपने प्रडिक्शन करी अब यहाँ पर दोस्तों कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं और कुछ और क्लेरिफिकेशन लेने की यहाँ पर कोशिश करते हैं अब यहाँ पर दोस्तों एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम जो पांच अप्रैल का एग्जांपल है इस एग्जाम्पल में देखिए ना तो हमें कोई वी मिल रहा है ना कोई यू मिल रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ये एक यू टाइप का मिला था मतलब उल्टा वी मिला था तो इस टाइप के पैटर्न में आप देखिए ये वी वैप के ऊपर था तो कोई डायरेक्शन मार्केट के अंदर नहीं थी अगर क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है आपको तो ट्रेड मत लीजिए आपको थोड़ा वी और थोड़ा यू पे आपको ध्यान देना है तो ही आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है यहाँ पर देखिए छह तारीख को मार्केट में एक हल्का सा वी क्रिएट हुआ था और मार्केट यहाँ से देखिए वीवीएफ के ऊपर चला गया था एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिल गई थी तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन मिल गई फिर 10 तारीख को देखिए हल्का सा आपको यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन मार्केट वी वेफ के नीचे आ रहा है तो वीवेफ के नीचे आ रहा है तो ट्रेड मत लीजिए ट्रेड लेने का बेनिफिट नहीं है फिर 11 तारीख को देखिए हल्का सा ये मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ और यहाँ पर देखिए मार्केट वीवीएफ के ऊपर है तो यहाँ पर आपका सेंटिमेंट बुलिश हो सकता है क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पर मैच हो रही है तो इस तरीके से आपने वेरियस एग्जाम्पल्स देखे जहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट साथ में वी वैप का सहारा आपको मिला और आपने ट्रेड इनिशिएट करा खाली अगर वी वैप भी आप देखेंगे तो भी आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी मैं कुछ एग्जाम्पल सिर्फ वीवैप के हिसाब से आपसे लगा रहा हूँ जो कि बहुत अच्छी डायरेक्शन देता है आपको ध्यान देना है कि मार्केट वी वैप का हाई ब्रेक कर रही है लो ब्रेक कर रही है तो यहाँ देखिए इस कैंडल ने मार्केट ने एक रेड कैंडल बनी वी वैप को तोड़ा मार्केट यहाँ से नीचे आया अगर आपका यहाँ ट्रेड मिल गया प्रॉफिट बुक हो गया तो ठीक बात है टारगेट अगर नहीं मिला तो आप यहां देखिए जैसे ही ग्रीन कैंडल इसके ऊपर आई उसके बाद आप यहां पर बुलिस ट्रेड ले सकते थे और मार्केट में बुलिस ट्रेड के अंदर आप पैसा बना सकते थे ठीक इसी तरीके से देखिए ग्रीन कैंडल मेरी वीवेप को तोड़ा मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया वीवेप को यहाँ से नीचे तोड़ा मार्केट यहाँ से नीचे भी चला गया फिर वीवैप को मार्केट ने नीचे तोड़ा नीचे चला गया फिर ऊपर तोड़ा ऊपर चला गया फिर नीचे तोड़ा नीचे चला गया इस तरीके से बेरिश बुलिश बेरिश ट्रेड आप ले सकते हैं को मार्केट ने फिर यहां पर नहीं दी नहीं तो यहाँ पर आपको के साथ मिल जाएंगे यहां देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया या नीचे की तरफ क्रॉस करा था ट्रेड नहीं चला तो नुकसान हो गया तो यहाँ पर आप वेरियस तरीके की ट्रेडिंग के साथ कर सकते का सारा लेकर भी आप मार्केट के डायरेक्शन की अंदाजा लगा सकते हैं तो ये था दोस्तों दो बेस्ट इंडिकेटर जो मैंने आपके साथ शेयर करे अगर ओपन इंटरेस्ट कंसीडर करना है साथ में तो वो वो जीरोदा के अंदर तो अवेलेबल है बाकी कुछ ब्रोकर हो सकते हैं बाकी मेरी नज़र में कोई दूसरा ब्रोकर नहीं है आपकी नज़र में है तो आप यूज़ कर सकते हैं जीरोदा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय गॉड ब्लेस यू बाय दोस्तों